बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जलवा यूं तो हमेशा ही बरकरार रहता है, लेकिन एक नन्हे से बच्चे ने जब उनकी सबके सामने जमकर क्लास लगाई तो यह देख सब दंग रह गए और कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया जब एक नन्हे से बच्चे ने सलमान की जमकर खिंचाई की। गोवा में आयोजित हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के दौरान फिल्म ट्यूबलाइट में सलमान के साथ काम करने वाले अरुणाचल नन्हे आर्टिस्ट मैटिन ने सलमान खान की जमकर खिंचाई की, जिससे देखकर सलमान सहित वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सलमान और अरुणाचल के नन्हे कलाकार मैटिन ने गोवा में मंगलवार को मंच पर एक बहुत प्यारा क्षण साझा किया, जिसमें मैटिन ने सलमान खराब आवाज का जमकर मजाक उड़ाया। ये वाकया तब हुआ जब अभिनेत्री जयारा वासीम ने मैटिन से पूछा कि सलमान से फिल्म ट्यूबलाइट के दौरान उन्होंने क्या सीखा है। इस मैटिन ने जवाब दिया कि वे सलमान से कुछ नहीं सीखते हैं, बल्कि वो खुद सलमान को कई चीजें सिखाते हैं। निर्देशक करण जौहर, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और दर्शकों सहित सभी लोग मैटिन के इस हाजिर जवाबी का जमकर लुत्फ उठाया और कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। सबसे मजेदार पल वो था जब मैटिन ने सलमान को डांटते हुए कहा कि डोंट ओवर रिएक्ट बिकॉज सब लोग आपको देख रहे हैं। यह सुनकर खुद सलमान भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मैटिन ने सलमान से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर अब तक सलमान खान अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं आए, तो इसके जवाब में सलमान मैटिन से पूछा कि आखिर वे क्यों आए ईटानगर, ईटानगर की खासियत क्या है। इस पर नन्हे मैटिन ने जवाब देते हुए कहा कि ईटानगर की हवा बेहद फ्रेश है और इससे उनका खराब गला भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जब निर्देशक करण जौहर ने मैटिन से सलमान खान गाने पर डांस करने को कहा तो उन्होंने बड़ी चतुराई से मन कर दिया और कहा कि मुझे पता है कि सब इसका मजाक उड़ाएंगे। सोनाली बेंद्रे ने मैटिन से पूछा कि सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान से उन्होंने क्या सीखा है, तो मैटिन ने कहा कि उन्होंने सीखा है कि किसी भी बच्चे को किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। अरुणाचल के इस 8 साल के नन्हे कलाकार ने दर्शकों का पूरी तरह से मनोरंजन किया और हर कोई बस मैटिन के इस अंदाज से काफी प्रभावित दिखा और सबसे ज्यादा सलमान खान ने इस पल को एंजॉय किया और मैटिन द्वारा उड़ाए जा रहे अपने मजाक का भी जमकर आनंद लिया।